बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि मैं इस टाइम सियाचिन ग्लेशियर के -30 डिग्री में रह करके अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहा हूँ। यासु देश की सुरक्षा में तैनात उस सैनिक के हैं जो एक झटके में देश की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर सरहद की सुरक्षा के लिए निकल पड़ता है और समाज से ये उम्मीद करता है कि अब घर परिवार की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है। लेकिन कानपुर देहात में इन दिनों दबंगों के हौसले सर चढ़कर बोल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सरहद पर तैनात सेना के जवान और उसके परिवार के लोग अब अपने ही घर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और दबंगों की दबंगई से परेशान होकर जवान कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। -30 डिग्री सेल्सियस पर सरहद पर लेह लद्दाख में देश की सेवा में तैनात सैनिक के परिवार अपने ही घर पर खुद को महफूज नहीं समझ रहा है, क्योंकि कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना अंतर्गत दया गांव में गांव के प्रधान के परिवारी जन उस सैनिक के परिवार वालों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सैनिक जब परेशान होकर अपने घर आया तो सैनिक को भी जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं घर छोड़कर चले जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इससे परेशान आहत सैनिक ने कानपुर देहात के SP से न्याय की गुहार लगाई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस पूरे प्रकरण पर कानपुर देहात पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। कानपुर देहात के रसूलाबाद का निवासी शिवराम दिवाकर सैनिक पद पर लेह लद्दाख में तैनात है। शिवराम दिवाकर पूरे परिवार के साथ कानपुर पुलिस देहात पुलिस अधीक्षक के दफ्तर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वर्दी में तैनात सैनिक के पत्रकारों से बातचीत करते हुए आंख से आंसू छलक पड़े और रोते हुए बताया कि वह जब भी छुट्टी लेकर गांव आता है तो गांव के राजेश फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश करता है। आरोप लगाया कि राजेश धमकी देता है कि तुम लोग यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। का चाचा और चाचे के लड़के ने मेरे घर वालों को, मेरे माता पिता, मेरी भाई की लड़की को, मेरे भाई को मारा है और उसके बाद आए दिन ये षड्यंत्र करते हैं कि झूठा एप्लीकेशन दिखा करके पुलिस थाने में देते हैं कि ये धमकी देते हैं फौजी में तेरी नौकरी ख़त्म करवा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, इस तरीके की हमें धमकी दी जाती है। बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि मैं इस टाइम सियाचिन ग्लेशियर के -30 डिग्री में रह करके अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहा हूँ। मेरा परिवार सुरक्षित नहीं और